दिनांक 19 तारीख को मेरी पत्नी जो है बच्चों को कोचिंग से लेने गई थी। वहां से लौटते समय रास्ते में दिनेश चौधरी और गोल्डी और मोनू सेन ऐसे चार पांच लोगों ने मिसेस के साथ में लूटपाट की और लूटपाट के साथ साथ बच्चों का अपहरण करने की कोशिश की, जिसकी थाने में रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन थाने में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने CSP मैडम को भी आवेदन दिया कि मैडम इस प्रकार की मेरे साथ में ये घटना हुई है और अभी तक उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन मुझे आज SP साहब के पास में शरण में आना पड़ा और यहाँ पे आके मैंने यह आवेदन आज भी यहाँ पे दे दिया। क्या चाह रहे हैं आप? मैं यही चाहता हूँ सर कि मैं एक सरकारी गवर्नमेंट नौकर हूँ, जिससे कि मैं अपनी भली भांति नौकरी अपने भली भांति बच्चों को वो कर सकूँ। मोनू गोल्डी ये लोग, मैं बच्चों को लेके कोचिंग से आती थी, चार पाँच लोग थे, तो रात में 8:30 बजे मैं घर पहुंचती हूँ, तो रास्ते में छेड़खानी की थी, बच्चों को अपहरण करने के लिए बोलते थे। उसके बाद मैं मेरा हार खींच के लेकर मारपीट की, चाकू मार दी पैर पे, तो वहाँ पर 4 टाँके लगे हुए हैं। उसके बाद में मैंने अदारताल थाने पर रिपोर्ट डाली, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई सुनवाई हुई। इस कारण से मैं यहाँ पर आई हूँ SP थाने, जिससे मेरे बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ? नहीं हुए, अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और बच्चे स्कूल जाने से सर डर रहे हैं। ये कितने दिन पहले की घटना है? ये 19 तारीख की घटना, जिस दिन कन्हैया पॉइंट था। पुरानी कुछ रंजिश चल रही थी क्या? पुरानी ऐसी कुछ पुरानी रंजिश नहीं है सर, मैंने अभी मकान बनाया, वहाँ पर ये लोग क्रिमिनल लाइन के हैं, ड्रग्स रक्स वगैरह जो भी करते हैं, ये बोलते हैं कि हमको यहाँ बैठने दो, नहीं बैठने दोगे तो हम मारपीट करेंगे आपके साथ, गुंडागिर्दी करेंगे।